सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वॉट यूट्यूबर। आज हमारे साथ है Isuzu D-Max, ये एस कैब वेरियंट है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, प्लस सर्विस इंटरवल कितना मिलने वाला है, साथ ही साथ ये बोलेरो कैंपर वगैरह से कैसे बेटर है कंफर्ट में, फीचर्स में, और प्राइसिंग कितनी पड़ती है, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरू करेंगे वॉक अराउंड से, उसके बाद में बात करूंगा इसके इंटीरियर के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं। सो गाइज, वॉक अराउंड की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टायर्स देखने को मिलते हैं वो 205 R16 इंच के, इसमें आपको नॉर्मल व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन सेटअप मिलेगा, Isuzu का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए हैं, और एयर इनटेक के लिए ना फ्रंट की ग्रिल कुछ ऐसी दी गई है। भाई साइज वाइज ना आप देखोगे काफ़ी बड़ा दिखता है ये व्हीकल, और दिखने में मतलब अपील जो है ना रोड पे वो काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। इधर बात करें तो नॉर्मल आपको मिरर देखने को मिलते हैं, और मिरर ना एक बार मैं दिखाऊं आपको तो इंटरनली एडजस्टेबल नहीं है, आपको केवल यहाँ से ही मिरर एडजस्ट करने पड़ेंगे हाथ से ही, सो वो एक चीज़ है। साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है। ये जो डोर्स है ना इसमें आपको सेंटर लॉकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन कोई भी रिमोट वगैरह ऑफर नहीं किया जाएगा। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा, रूफ रेल नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके साइड के बारे में, तो साइड में आपको कुछ इतना बड़ा इसका डाला देखने को मिलता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको इसकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, सो वो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रियर में आपको Isuzu का बैजिंग देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, सो इतना बड़ा एरिया आता है इसका। और रियर में टेल लैंप आपको पूरी जो ना हैलोजन देखने को मिलेगी, Isuzu का लोगो इधर मिलेगा। दो पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये कैमरा वगैरह एसेसरीज का पार्ट है। सो हाई माउंटेड टेल लैंप भी ऊपर दिया गया है। ये सारी चीज़ें थी इसकी। एक्सटीरियर में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। इंटीरियर में बैठते हैं, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में और चलाने वगैरह में कैसा आपको फील होने वाला है, ओवरऑल पावर वगैरह कैसी है। सो इंटीरियर में अगर रियर के बारे में बात करें तो रियर में भी आपको पावर विंडो देखने को मिल जाती है। बेसिक सा इंटीरियर है, ब्लैक कलर का कुछ खास नहीं है। सीट्स वगैरह नॉर्मल दी गई हैं, कंफर्ट वगैरह डिसेंट है, और पीछे आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे का जो लुक है वो कुछ इतना है, काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल ये चीज़ें आप देख सकते हैं, रियर में एसी वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं आपको, सो नॉर्मल चीज़ें हैं। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, सीट जो है ना आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो सीट में आपको लंबा सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, आगे पीछे कर सकते हैं सीट। एक चीज़ खास बात है इसमें, आप ड्राइवर सीट तो आगे पीछे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पैसेंजर सीट भी ना को ड्राइवर सीट भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इधर बात करें तो ये फ्यूल लाइट ओपन करने के लिए, ये फ्रंट बोनेट ओपन करने के लिए, स्टीयरिंग आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, उसमें कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं दी गई हैं। बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाती है, सो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। एवरेज वगैरह भी शो कर देगा, एवरेज की बात करें तो 12 से 13 का एवरेज आपको दे देगा आराम से। लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। और बात करूँ इसके इंटीरियर के बारे में, तो स्टीयरिंग जैसे आपको बता दिया नॉर्मल है, ये एसेसरीज़ का पार्ट है, एसेसरीज़ वाली वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इधर आपको चारों हजार्ड लैंप की स्विच देखने को मिल जाएगी, रियर व्यू मिरर आपको ऑटो एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा, डे नाइट एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं मैनुअली, और इधर आपको नॉर्मल शेड मिलेंगे, इधर भी शेड नॉर्मल है। इधर आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, इसका गियर लीवर है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, और आर्मरेस्ट में ना डिसेंट साइज की स्टोरेज दी गई है। ये इसका ग्लव बॉक्स नीचे वाला, और फ्रंट में भी आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, तो स्टोरेज के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलते हैं इसको राइड करते हैं और इसके इंजन वगैरह के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, ड्राइव करते हैं इसको, की वगैरह दिखा दूँ, कुछ ऐसी की नॉर्मल आपको देखने को मिलती है, की में कुछ भी चीज़ें नहीं है। हैंड ब्रेक डाउन। सो साइज़ की अगर बात कर लेना भाई, साइज़ काफ़ी बड़ी है ओवरऑल, मतलब आपको समझ में आएगा कि काफ़ी बड़ा ट्रक आप ड्राइव कर रहे हो। सो भाई, सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसके इंजन के बारे में, तो 2500 सीसी इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। इंजन की रिफाइनमेंट वगैरह एज सच कुछ खास नहीं है, मतलब आप एक्सपेक्ट करो वैसी कार जैसी रिफाइनमेंट तो वैसी नहीं है, लेकिन हाँ कैंपर वैन के मुकाबले में आपको रिफाइनमेंट ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। एक फीचर्स वाइज ना काफ़ी अच्छा है, जैसे ये इधर आपको कूलिंग के लिए बॉटल वाटर भी मिल जाता है, यहाँ पे आप कैन वगैरह रख सकते हो, और मतलब कूलिंग फीचर्स वाइज कोई भी दिक्कत आपको इस ट्रक में नहीं होने वाली है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें फीडबैक के बारे में, तो थोड़ा सा ना आपको वेटेड फील होगा इसका स्टीयरिंग व्हील,
आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आप हैवी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील की वो वाली फील है, तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा हैवी फील होने वाला है आपको। तो बात करें सबसे पहले क्लच की, क्लच जो है काफी रिफाइंड है, मतलब काफी मतलब स्मूथ है, एज सच कोई हार्ड क्लच नहीं है। गियर वगैरह इजिली स्लॉट होते हैं, प्रॉपर अटकते नहीं है कहीं भी, स्मूथ गियर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस आपको स्मूथ देखने को मिलेगा, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो क्लच वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस बात करें अगर इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग वगैरह भी काफी डिसेंट है। फ्रंट में जैसे आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में ड्रमी दिए गए हैं, सो ब्रेकिंग के मामले में एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात करें पावर के बारे में, तो 78 bhp और 178 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। सो टॉर्क वगैरह के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अच्छा खासा लोड वगैरह कैरी कर सकते हो, आराम से लेके जा सकते हो इसमें लोड वगैरह। और मतलब ओवरऑल मैं बात करूं अगर आपको क्यों Isuzu के ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल जो प्राइसिंग है ना कैंपर वैन की, उसकी समथिंग 10 से 11 लाख रुपए है, इसकी 12 से 13 लाख, मतलब 2 लाख रुपए अप्रॉक्स आप ऊपर पे करते हो। सो उन सब चीजों को पे करने के बाद आपको इंटीरियर में इसके जगह ज्यादा मिलेगी, स्पेस ज्यादा है, कंफर्ट ज्यादा है, मतलब एक ना कार वाली आपको फीलिंग कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करने वाला है, रेदर देन वो रफ जो फील आती है ना वो नहीं होने वाली है। सो गाइस बात कर ली हमने इसके पावर के बारे में, क्लच के बारे में, ब्रेक्स के बारे में, ओवरऑल लोडिंग के बारे में अगर बात करें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, और इसका जो सर्विस इंटरवल है ना वो 10,000 किलोमीटर में होता है। सो नॉर्मल जैसे सभी गाड़ियों की सर्विसिंग होती है वैसे ही होने वाली है इसकी भी सर्विस। माइलेज वगैरह की बात कर ली, 13 तक आप आराम से निकाल सकते हो इससे माइलेज, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो गाइज ओवरऑल मैं बात करूं आपको क्यों ये व्हीकल लेना चाहिए, तो सिंपल सा एक चीज है, अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ जाना है ना तो ये व्हीकल आपके लिए बेटर रहने वाला है। कैसी लगी गाइज ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका क्या मानना है इस Isuzu D-Max Escape के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा सारी चीजें। तो अब चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कि कैसे ये बेटर रहने वाला है प्राइसिंग की। जैसे मैंने आपको बताई नॉर्मल कैंपर से ये 1 से 2 लाख रुपए महंगा जाता है, लगभग 13 लाख रुपीज़ इसकी एक्सशोरूम प्राइस है। और इस सेगमेंट में मतलब इसमें जो फीचर्स मिलते हैं ना, प्लस सबसे बड़ी बात इसमें जो कंफर्ट आपको ऑफर किया जाता है ड्राइविंग सीट के लिए, को पैसेंजर सीट के लिए और रियर सीट में भी, ओवरऑल सस्पेंशन की ट्यूनिंग हो गई और लोड कैरिंग कैपेसिटी वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है अगर आपका बजट है और एक आप प्रीमियम सेगमेंट का कैंपर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मैं नॉर्मल बुलेरो वगैरह की बात करूं तो वो थोड़ा सा ना एक रगेड फीलिंग देता है, एक वो प्रीमियम फील बुलेरो वगैरह में नहीं आ पाती है। तो अगर आप ऐसा कैंपर चाह रहे हैं जो थोड़ा आपको प्रीमियम फील दे, साथ ही साथ आपके कैबिन वगैरह में जगह ज़्यादा हो, ओवरऑल एक प्रीमियम अगर आप गाड़ी चाह रहे हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं।